आज का अपना टॉपिक है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग होता क्या है? पाइथन में स्ट्रिंग क्या होता है बोलो? वर्ड्स, लेटर्स, जो जनरली हम सिंगल कोट में या डबल कोट्स में लिखते हैं, जैसे वर्ड्स लिख दिए, सेंटेंसेस लिख दिए। पाइथन में सिंगल कोट या डबल कोट्स में हम लिखते हैं ना ये। अच्छा, अगर आपने सिंगल कोट में आपने नंबर्स भी लिख दिए तो ये स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में आपने नंबर लिख दिए तो ये स्ट्रिंग हो जाता है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रिंग। तो इसके अंदर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या होता है, स्ट्रिंग के एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, सिंपली अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ठीक है, क्या स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग हम वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं, लाइक डबल कोट्स में मैंने कुछ लिख दिया, राइट, जैसे वेरिएबल लेके लिखूँ ए इज इक्वल टू स्ट्रिंग, तो ए क्या हुआ? स्ट्रिंग। अब ए ऑफ ज़ीरो देखो क्या हुआ, यानी द ए इंडेक्स ऑफ ज़ीरो इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रिंग पार्ट, यानी एस। ऐसे ही ए ऑफ माइनस वन देखो क्या हुआ, ये स्ट्रिंग को एक तरह से एक्सेस कर रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में, जी। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग का एक पार्ट है। जैसे स्ट्रिंग लिया, अब मैनिपुलेशन, बी इज इक्वल टू मैनिपुलेशन। ओके, मैनिपुलेशन की स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ। तो अभी देखो ए बी, तो यहाँ ए प्लस बी क्या आया, ये कंबाइंड हो गया। अगर ए बी लिखूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ए बी जैसे कोई है नहीं, लेकिन ए प्लस बी यानी स्ट्रिंग और प्लस क्या है, प्लस क्या है, ये ऑपरेटर है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है हमारे लिए स्ट्रिंग के लिए। तो इन दोनों को कंबाइन करता है, स्ट्रिंग से स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग से इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, ये सिंपल स्ट्रिंग है। अब इसके लिए समझो कि मैं अगर कोई, अभी हमने थोड़ा लूप भी देखा है, ये भी देखा है, राइट, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। अभी इसमें ऑपरेटर मैंने बताया आपको, ये प्लस क्या काम कर रहा है, एडिशन कर रहा है। ऐसे ही देखो दूसरा ऑपरेटर दिखा देता हूँ, रेप्लिकेशन ऑपरेटर। ये होता है जैसे डैश, राइट, इसको मल्टीप्लाई 5, तो क्या हुआ, 5 बार उसने इसको रेप्लिकेट कर दिया, राइट। ये अगेन मल्टीप्लाई 40, देखो ये 40 वाली लाइन ड्रॉ हो गई। ये मल्टीप्लाई क्या है, रेप्लिकेशन ऑर्डर है, रेप्लिकेशन ऑपरेटर है। ये क्या है, एडिशन यानी कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है, राइट। इसमें ध्यान देना, गलती से भी ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे हमने लिख दिया 23 मल्टीप्लाई 3, तो क्या होता है, देखो ध्यान से, 23 23 23, राइट, ये ठीक है। अब देखो 23 मल्टीप्लाई 3, ये क्या हुआ, ये गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्यों, इस एप्लीकेशन ऑपरेटर के आगे एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, इसके आगे स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, तो ये गड़बड़ कर देता है। ऐसे ही जैसे प्लस में बताता हूँ, अभी हमने प्लस किया ना, 23 प्लस 25 48 दे रहा है, लेकिन आपने किया 23 प्लस 25 तो एरर देगा। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, ये दोनों नंबर का तो हो गया ना। अब देखो दोनों स्ट्रिंग रखो, 23 प्लस 25, अब क्या होगा, ये ना गड़बड़ नहीं होगी, ये 2325 हो जाएगा, राइट। अब ये नंबर था तो दोनों ऐड हो गया ना, अब ये दोनों कंबाइन हो गया। अब देखो इसको 23 प्लस 25 इंटू 3, अब क्या हो जाएगा, 2325 2325। देखो, तो आपने फिर कैसे बोला मल्टीप्लाई बाय 3, राइट, सोच समझ के बोलो, राइट। ऐसे ही देखो 25 मल्टीप्लाई 2 प्लस 20, अब क्या होगा बताओ, 2525 20। देखो, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, इस तरह से स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इसको बोलते हैं जनरली, राइट। ये बेसिक बेसिक चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि हमारे टॉपिक में स्ट्रिंग एग्जांपल में ये बताया। अब ऑपरेटर में तो मैं कौन सा बताया, ये रेप्लिकेशन। अब ये मल्टीप्लाई रेप्लिकेशन बोलते हैं, प्लस को हम बेसिक ऑपरेटर बोलते हैं, जिसको कॉन्कैटिनेशन भी बोल सकते हैं। अब दो ऑपरेटर और हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर, जिसमें इन और नॉट इन होता है। इनका मैंने तो पहले भी बताया, जैसे मैंने लिखा था ए में क्या लिखा है, राइट, ए इज स्ट्रिंग। नाउ इफ आई राइट आई इन ए तो क्या आया, ट्रू। तो ये क्या चीज़ है, इन ऑपरेटर, क्या कर रहा है, आई कैरेक्टर ढूंढ रहा है, इसमें है क्या, तो ये इन ऑपरेटर है जो स्ट्रिंग के ऊपर काम करता है। ठीक है, अब इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, फॉर लेट मी से फॉर कैरेक्टर इन ए, राइट, प्रिंट कैरेक्टर। अब देखो एंटर मारते हैं, ये क्या हो गया, इसने क्या किया, हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को अलग से प्रिंट किया, STRING लूप में डाल दिया, एक एक को लूप में प्रिंट किया, समझे। इस तरह से इन ऑपरेटर ये भी काम लूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं,
ये ए का स्ट्रिंग बनाया, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इसको प्रिंट कर दिया, समझे। तो इस तरह से हम ऐसे स्ट्रिंग के पर्टिकुलर ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अब कंपैरिजन ऑपरेटर भी है हमारे पास। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, कंपेयर करने के काम आएगा। देखो जैसे कि ए इक्वल्स टू बी, फॉल्स। क्यों, क्या है, ए अलग है बी अलग है। देखो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ए इज बी, ए राइट बी नहीं है, राइट ए इज नॉट बी। तो ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर भी स्ट्रिंग में काम करते हैं इस तरह से। ओके इसमें कोई सवाल है नहीं ना, राइट। अभी देखो अलग अलग तरीके हैं, जैसे मेंबरशिप ऑपरेटर बताया, इक्वल टू नॉट इक्वल टू ये आपको कंपैरिजन बताया, ठीक है। अभी और भी हैं ऑर्डिनल कैरेक्टर्स। हमारे पास हर एक कैरेक्टर का कोई ना कोई एक ऑर्डिनल वैल्यू यानी आस्की वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर मैं ऑर्डिनल कैरेक्टर या ऑर्डिनल वैल्यू किसी की प्रिंट करानी हो मुझे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ होता है इसमें, ओ आर डी करके, जैसा यूनिकोड वैल्यू इसमें जनरली कंसेप्ट होता है, ठीक है। अब देखो क्या है, ऑर्डर ऑफ एस, ऑर्डर ऑफ ए आया, ये आस्की के लिए जनरली करते हैं, ठीक है ना। तो हर एक कैरेक्टर का हम इस तरह से करते हैं। अब जैसे फॉर इन, सो फॉर सी एच इन ए प्रिंट ऑर्डर ऑफ सी एच देन स्पेस देके इक्वल्स टू, डबल कोट्स में इक्वल्स टू लगा देते हैं और फिर सी एच प्रिंट करा रहे हैं। देखो क्या आया, हर एक का आस्की वैल्यू प्रिंट हो रहा है, हर एक कैरेक्टर का आस्की वैल्यू आ रहा है या ऑर्डिनल वैल्यू कह सकते हैं। आस्की इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये यूनिकोड सिस्टम है, आस्की में लिमिटेड होता है, आस्की इज ओनली फॉर वन बाइट एंड यूनिकोड हियर इज अ 2 बाइट्स का, 16 बिट्स का है। दिस इज व्हाट द ऑर्डिनल वैल्यूज ऑफ स्ट्रिंग। समझ में आया, ये हमारे स्ट्रिंग के ऑप्शंस हैं। अब स्ट्रिंग को स्लाइस भी करते हैं, कैसे करते हैं, स्ट्रिंग स्लाइसेस कैसे होते हैं। जैसे अभी मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, जैसे हमने अभी ए किया, ए प्रिंट आया, ठीक है। अभी ए 0 से लेके 2, देखो क्या आया, एस टी 01, समझे। तो ये क्या हुआ, 0 एंड 1, 2 मतलब लेस देन 2, ये स्लाइस किया, दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग, स्लाइसिंग द स्ट्रिंग। ऐसे ही हम कर सकते हैं ए 2 से लेके, सपोज मैंने 2 लिखा खाली ऐसे, देन यू स्टार्ट फ्रॉम, देखो 2 पूरा रिंग आ गया, स्ट्रिंग की जगह रिंग आ गया, ठीक है। अभी दूसरा तरीका, ए कॉलन 3, नाउ सी एस टी आर 012, स्टार्टिंग नहीं दिया खाली एंड, यानी लेस देन 3 आ जाएगा 2, और ये 2 से स्टार्ट करो एंड तक, ठीक है। अब ये देखो ए कॉलन -1, देखो क्या आया, -1 मतलब खाली लास्ट कैरेक्टर को छोड़ दो, राइट। इस तरह से भी हो सकता है, राइट। रिवर्स में आया -1 -2 -3 -4 -5 -6, -6 थे, ठीक है, ए -6, और ये स्लाइस ऑपरेटर लगाया आपने। अगर आप देखो खाली -6 लगाते हो तो क्या होगा, सिंगल कैरेक्टर आएगा, ठीक है, यानी ये है एस -6 में, ठीक है। अगर आपने ए -6 कॉलन लगाया तो क्या आएगा, ये स्लाइस हुआ, स्टार्ट वैल्यू हो गई, राइट, स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड टिल दी पर्टिकुलर एंड नंबर। समझ में आया, ये है स्ट्रिंग स्लाइसेस, स्लाइस कर सकते हैं ऐसे। अब इतने में कोई सवाल है तो पूछो पहले, राइट। ये स्ट्रिंग के बारे में मैनिपुलेशन में क्या क्या बताया, राइट। मैंने आपको ये बताया कि स्ट्रिंग के अंदर ऑपरेटर यूज होते हैं, जैसे हमने बेसिक ऑपरेटर देखा, रेप्लिकेशन ऑपरेटर देखा, इन ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर, कंपेरिजन ऑपरेटर एंड ऑर्डिनल वैल्यूज देखा। आस्की वैल्यू नहीं बोलेंगे इसको, यूनरी वैल्यू बोलेंगे, सॉरी यूनिकोड वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। यूनिकोड वैल्यूज हमने देखे और स्ट्रिंग स्लाइसेस देखी, राइट। इसमें कोई सवाल, पक्का ना, राइट। चलो अब नेक्स्ट में देखते हैं फिर क्या है।